अगर आपके घर में भी कोई महिला है जो कि बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी खा रही है, स्लेट पेंसिल वगैरह खा रही है, वो गर्भवती है तब भी उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, वो गर्भवती नहीं है तब भी इन चीज़ों को पे नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके जो है आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक जो है हमारा वो यही है कि गर्भवती महिला को अगर वो इन चीज़ों की आदी है तो उनसे किस तरीके से उन पर छुटकारा मिल सकता है। बहुत ही सिंपल से रीज़न में चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या करें अगर आपको बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी खाने का मन कर रहा है, प्रेग्नेंट है, आपको बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लेट पेंसिल खाने का मन कर रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर को, जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी अपने डॉक्टर को कभी कुछ मत छुपाइएगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर से कुछ भी मत छुपाइएगा। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, तो चेंज कर दीजिएगा ऐसे डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर के पास जाइएगा, लेकिन कभी भी कुछ भी मत छुपाइएगा और ये चीज़ें भी मत छुपाइएगा। उनको सिंपली बताइएगा कि मुझे स्लेट पेंसिल और ये चीज़ें खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं क्या करूँ। वो आपको टैबलेट्स देंगे आपके इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। आपका वो टैबलेट को लेने के बाद में आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि इनसे क्या होगा, जो मोस्टली इफेक्ट पड़ता है आपके खून पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपके शरीर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या आप पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो इन चीज़ों की आदि है, आपको क्या करना है? आपको उनको ऊपर नज़र रखनी है, कब वो इन चीज़ों को खा रही है उनको रोकना है, उन्हें मना करना है, उनको जो है चेंज करना है उनका माइंड किस चीज़ों को खाने के लिए, उन चीज़ों को खाने के लिए जो उनके लिए इस टाइम पे अच्छी होती है, उनको का माइंड आपको चेंज करना है उन चीज़ों को खाने के लिए, प्रोत्साहित करना है उनको, पुरस्कार देना है उनको अपनी इन गंदी आदतों को छोड़ने के लिए। अगर आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको पुरस्कार देंगे, तो आई एम श्योर उनका भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। एक चीज़ होती है कि क्या किया जाए अगर बहुत ज़्यादा महिला को मन कर रहा है खाने का। मैं हूँ, अगर मेरा बहुत ज़्यादा महिला मन करेगा खाने का तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना ध्यान हटा लूँगी। अगर आपको किसी चीज़ का, किसी से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपका क्या मन करेगा कि आप उसको ध्यान हटाइएगा। तो एक चीज़ ये भी है कि आपको ध्यान हटाना है उसकी तरफ से, वो किस तरह से हटाना है। आप कोई मूवी देख सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, आप कुछ पी सकते हैं, आपका ध्यान नेचुरली उस चीज़ से हट जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। इस चीज़ को मैंने पहले बता दिया है कि आपको प्रोत्साहन देना है, लेकिन आप अगर उन चीज़ों को एक सामान्य भोजन में डेवलप कर दें, यानी कि आपका ये चीज़ खाने का मन कर रहा है या आपके साथ वाले का किसी का मन कर रहा है, बट आप उनको उस वक्त में कुछ और खाने को दें, उनका माइंड डाइवर्ट कर दें कि ये नहीं ये खाओ, बहुत अच्छा होता है तुम्हारे बच्चे के लिए, उसको बेनिफिट होगा, ये होगा वो होगा, तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट कर सकते हैं आप उनका माइंड उन चीज़ों को खाने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। कोई मेडिसिन मैंने इसमें नहीं बताई है, कोई आपको गलत सलाह इसमें नहीं दी है, कोई आपको मैंने इसमें नहीं प्रोत्साहित किया है कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइएगा। मैंने सिर्फ बताइएगा कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।